बच्चों आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तगड़ा होंगे। ठीक है, तो तगड़े होंगे भाई, ऐसा मत समझो कि कक्षा बारहवीं के बच्चे हैं और तो थोड़ा सा तो तगड़े होंगे। बॉडी वॉडी तो बढ़िया बनी होगी, मेरे जैसे ही बनी होगी। देख लो भाई, मेरे डोले छोले भी हैं। तो चलो भाई, आज के सेशन में हम क्या स्टार्ट करने वाले बेटा, हम उसकी बात करने वाले हैं। चले, आज हम देखने वाले हैं कि कक्षा बारहवीं में जो जीव विज्ञान के यूनिट 3 में 5 अंक के जो प्रश्न है उसका सेकेंड पार्ट हम करने वाले हैं। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने 3 अंक के प्रश्न की बात कर ली। तो आज हम क्या देखेंगे, 5 अंक के प्रश्न की बात कर दी, जिसमें से हमने पहला पार्ट में क्या बताया, उत्तक संवर्धन के बारे में। तो उसको अगर नहीं देखे तो पहले उसको देखो, वो 5 अंक का प्रश्न कैसे आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, उसमें लिखना कैसे है, वो सारा चीज मैंने बताया हुआ है। तो चलिए भाई, आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, कक्षा बारहवीं जीव विज्ञान CG बोर्ड एग्जाम्स के लिए बिल्कुल मेरे साथ तैयार रहो, क्योंकि आपको 70 में 70 नंबर लाने हैं, क्योंकि हमारे थ्योरी में 30 अंक के प्रैक्टिकल ने खा दिए और हमारे पास है 70 मार्क्स। तो 70 मार्क्स में 70 मार्क्स लाना है तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 में 5 अंक के प्रश्न की बात करेंगे। यूनिट 3 में 3 अध्याय हैं आपके, कौन से, मानव स्वास्थ्य रोग, पूरा रोग पढ़ना है हमें और इसमें हमको पूरे खाद्य नीति के बारे में पढ़ना है। थर्ड में है आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न की बात करते हैं, जो प्रश्न आपके क्वेश्चन में आ चुके हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, जब आप 8वां अध्याय पढ़ते हो तो उसमें आप देखते हो, 8वां अध्याय में क्या देखते हो, फिर अल्कोहल के बारे में बहुत सारा दिया, इतना सारा नाम दिया है कि आप क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो ऐसा हो गया है। लेकिन जो प्रश्न में हमने देखा कि एनालिसिस किया कि क्या कैसा प्रश्न पूछा गया है, तो उसमें थोड़े से आप देखोगे कि इजी प्रश्न है, बहुत इजी है। ऐसा लिखोगे, नहीं भी पढ़ोगे तो नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी उसको लिख लेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आप जानते हैं, भाई दारू को तो सब जानते, सबको पता होगा कि दारू ना से इतना खुश मत हो। अरे मैडम क्या बोल दिए ना, मतलब मतलब खुशी के मारे पता फूला नहीं समा रहे होगे तुम लोग। अरे दारू की बात हो रही है, जो सुनो तो दारू के बारे में हम बात करेंगे, अल्कोहल के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर ड्रग्स की बात करेंगे। हम जो पिक्चर में देखते ना, ऐसे ऐसे करके सूंघा जाता है ना, सांस में तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट कर देता है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं होगा, तुम लोगों को पता है मेरे को, तुम्हारा फेवरेट टॉपिक आ ही गया होगा। चलो भाई, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आज के प्रश्न के बारे में। हम पहले बात करेंगे कि आपको क्या है, और आपको अपनी आप अपने मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, 2-3 ड्रग्स का नाम याद रखोगे तो आप अपने आप से भी इसको लिख सकते हो। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कैसे, तो चलो देखो, प्रश्न क्या पूछा, अल्कोहल या ड्रग्स के द्वारा होने वाले कुप्रभाव के, मतलब हानिकारक प्रभाव है ना, कि सूची बनाई भाई क्या क्या हानिक प्रभाव होता है। सबको पता है भाई, सबके घर में होता ही होगा, किसी के यहाँ किसी के पापा जी पी के आते होंगे, मम्मी को कूटते होंगे, है ना, ये तो होता ही है, मैं देखी हूं इसलिए बता रही हूँ। भाई ये मत बोलो कि अरे मैडम क्या बोल दी, ये तो घर में होता ही है, ऐसा मत बोलो, ये होता ही है, मैं देखी हूँ। ठीक है, अथवा मदिरा पान के अत्यधिक प्रयोग के खतरे के बारे में संक्षिप्त वर्णन करना है। भाई आपके घर में यदि अल्कोहल का सेवन हो रहा है या ड्रग्स का सेवन हो रहा है या मदिरा पान का सेवन हो रहा है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में आपको लिखना है। एक और प्रश्न है इसी से रिलेटेड, मैं यहां 2 प्रश्न रखी हुई हूं और सिर्फ अल्कोहल से ही है। क्यों रखी हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम ध्यान जरूर नहीं देते, अपने मन से लिख लेंगे करके, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने की तो जरूरत पड़ती ही है। ठीक है, तो 2022 का यह क्वेश्चन है, 2022 में आ चुका है सेट ए में। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले कौन कौन से ऐसे ड्रग्स होते हैं, हम उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। तो 2-3 ड्रग्स को अभी दिखा देती हूं, नया नाम है, थोड़ा सा सुनोगे तो लगेगा रे हमने तो अभी तक दारू सुना था, ये क्या है, ऐसा हो गया। तो देखो यहां पर क्या लिखा है भाई, कैनाबिनाइड्स लिखा है, कैनाबिनाइड्स के बारे में लिखा है, ओपियोइड्स के बारे में लिखा है और कोका अल्कोलाइड्स के बारे में लिखा है। ये 3 आपके हैं जो ड्रग्स से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो कौन कहां कहां कैसे इफेक्ट करता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दो, देखो जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं, ड्रग्स के बारे में बात करें, है ना, तो ये क्या होता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखो ज्यादातर ड्रग्स जुड़े होंगे, जो पिक्चरों में ज्यादातर दिखाते हैं, व्हाइट कलर का हीरोइन करके हम सुनते हैं, पिक्चर पुराने पिक्चर देखोगे तो ना
हीरोइन है क्या, हीरोइन हीरोइन है क्या, ये सुनते हैं ना हम लोग, तो ये ही सब चीजें ही आपका ड्रग्स ही है, वो कोई हीरोइन नहीं है वहां पर, हीरोइन ही ड्रग्स है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम ओपिओइड्स की बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे ओपिओइड्स की, ठीक है। ओपिओइड जो होता है बेटा, सबसे पहले जब इस ड्रग्स का सेवन किया जाता है तो ये कहां जाएगा, सबसे पहले पाचन तंत्र में जाता है, और पाचन तंत्र से होते हुए हमारे कहां चला जाता है, नर्व सिस्टम में चला जाता है, तंत्रिका तंत्र में। मतलब अगर मैं ओपिओइड्स की बात करूं तो सबसे पहले ये हमारे पाचन तंत्र में जाएगा, और पाचन तंत्र के बाद ये हमारे कहां चला जाएगा, तंत्रिका तंत्र पर चला जाता है। कहां, तंत्रिका तंत्र, क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जब भी हम ड्रग्स लेते हैं तो देखना हमारा एकदम शांत हो जाता है मन, एकदम हम अपने झूमने लग जाते हैं, कुछ काम करने का मन होता है, बहुत शांति हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है क्या, ओपिओइड्स यानी कि ड्रग्स में क्यों लिया जाता है ड्रग्स को, मतलब आदि जब बनते हैं तो क्या होता है, एकदम शांत रहने का मन करेगा, क्योंकि हमारे ये नर्व सेल को ये क्या कर देता है, प्रभावित करता है, नर्व सिस्टम को ये प्रभावित कर देता है, पूरा शांत कर देता है, रोक देता है ये इसके कार्य को, ठीक है। तो ये है क्या आपका ओपिओइड्स कहलाता है, ठीक है। ये है ओपिओइड्स, यही है आपका ओपिओइड्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम, अगर हम इसकी बात करें, कैनाबिनॉइड्स की बात करें, तो ये क्या है, कैनाबिनॉइड्स क्या है, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, सुने होंगे भांग, ठीक है ना, क्या सुनते हो आप लोग, भांग सुनते हो। तो कैनाबिनॉइड्स क्या है, तो ये कैनाबीस करके होता है, एक प्लांट होता है कैनाबीस करके, इस प्लांट से ये बनाया जाता है कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। मतलब एक प्रकार का ये क्या है, भांग, भांग सुने हो ना, तो यही है आपका क्या, ये भी क्या करता है, आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। ध्यान देना, जब भी हम तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे, देखना जब भी हम ड्रग्स या अल्कोहल का सेवन करते हैं तो हमारा मस्तिष्क जो होता है काम नहीं करता है, हम क्या कर रहे हैं हमको पता ही नहीं चलता है, ठीक है। जब होता है ना, देखना दरोहे लोग कैसे होते हैं, दारू पी लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो क्या बोल रहा है उसको खुद नहीं पता, और दूसरे दिन पूछते हैं क्या, मैं कुछ किया हूं क्या, कुछ बात हुई है क्या, ये हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है आपके ड्रग्स के सेवन से, ठीक है। थर्ड क्या है भाई, कोका एल्कलाइड्स करके दिया हुआ है, तो कोका एल्कलाइड्स भी क्या है, एक प्रकार का ड्रग्स होता है, और इस ये है आपका कोका का प्लांट है, कोका का प्लांट, और ये भी कोका एल्कलाइड्स क्या कर देता है, हमारे रक्त परिवहन को क्या कर देता है, प्रभावित करता है। ये क्या करता है, कोका एल्कलाइड्स जो होता है हमारे रक्त परिवहन को प्रभावित करता है, रक्त परिवहन, जो रक्त का जो परिवहन हो रहा है, परिसंचरण हो रहा है, उसको ही क्या कर देता है, कोका एल्कलाइड्स प्रभावित करता है, ठीक है। अब कोका एल्कलाइड्स रक्त में जब प्रभावित होगा तो सीधी सीधी बात है, हमारा भी मस्तिष्क तो काम करेगा नहीं, पूरे शरीर पूरा ये क्या हो जाता है, एकदम मतलब रुक जाता है, कार्य करने योग्य नहीं होता, इसी को बोलते हैं कोका एल्कलाइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन आपके ड्रग्स है, और ड्रग्स के नाम को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यह है ड्रग्स, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, पूछा क्या है भाई, इसकी क्या प्रभाव, हानिकारक प्रभाव, इसके बारे में हम आंसर देखते हैं कि क्या है इसका आंसर। तो अल्कोहल ड्रग्स के द्वारा होने वाले कुप्रभाव के यानी कि हानिकारक प्रभाव इसके क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो नहीं भी बताओगे तब भी आप जानते हो कि आप खुद भी अगर देखे होगे आपके आसपास में भी यदि कोई ड्रग्स या फिर अल्कोहल का सेवन करता है तो कैसे मतलब उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। देखो इसको ऐसा अगर आप किसी को देखते हो तो भले आपको हंसी आता होगा लेकिन इसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है आप नहीं कह सकते। यदि वो किसी का जान ले ले तो आपके लिए वो छोटा चीज हो जाएगा। ये लगता है कि भाई हम दारू पी ले या किसी चीज का हम सेवन करेंगे तो हम मौज मस्ती के लिए करते, नहीं, ये मौज मस्ती में ही कब हानिकारक हो जाए, क्रूरता हो जाए, वहां पर आप कह नहीं सकते। किसी का मर्डर हो जा रहा, लोग इस पे आदि होते जा रहे हैं, इसके नशे के आदि होते जाएंगे, और नशे के आदि होते जाते हैं ना, तो वो कब क्या बोल रहा है उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। कर क्या देगा, किसी को मार दे रहा है, किसी को गोली से मारा है, किसी को काट दे, उसको खुद नहीं पता वो कब क्या कर रहा है। तो नशे में इतनी सारी चीजें होती है, वो नहीं चाहते हुए भी वो हो जाती है, ठीक है। तो ड्रग्स या एल्कोहल के तत्कालिक प्रतिकूल प्रभाव, अंधाधुंध व्यवहार, ठीक है। आप पी लोगे तो आपका व्यवहार इतना चेंज हो जाएगा, आप नॉर्मल जो बात कर रहे हो आप नहीं कर पाओगे,
ठीक है, व्यवहार बर्बरता और हिंसा के रूप में ही व्यक्त। सबको पता है, घरों में भी दिखाई देता है ये, कोई किसी के पिताश्री पी ले रहे हैं, किसी का बेटा या भाई जो भी है अगर पी लेता है तो कभी बीवी को हाथ उठा रहा है, किसी को मम्मी को हाथ उठा रहा है, कि अपनी पत्नी को हाथ उठा रहा है, ये बहुत लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कों की बात हो रही है कि लड़के ही पीते, ऐसा नहीं है, लड़कियां भी आजकल इसका सेवन करने लग गई है। पता नहीं फैशन में करती है कि क्या करती है वो पता नहीं, पर करने लग गई है। ठीक है, तो ड्रग्स की अत्यधिक मात्रा में, जैसे जैसे ड्रग्स को ज्यादा करोगे, भाई ड्रग्स जब लेते हो तो आपके ये श्वसन तंत्र को तो प्रभावित कर रहा है, श्वसन तंत्र के साथ आपके लंग्स को भी इफेक्ट कर रहा है, आपके तंत्रिका तंत्र को भी ये क्या कर रहा है, प्रभावित करता है, यानी कि बहुत ज्यादा इसके दुष्परिणाम होने वाले हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को उसको फेल कर देगा, हमारे हार्ट सिस्टम को फेल कर देता है। ठीक है, सेरेब्रल जो हेमरेज होता है, रक्त स्राव जो होता है उस पर भी ये, यानी कि हमारे जो प्रमस्तिष्क है, सेरेब्रल जो होता है उसके रक्त परिवहन जो हो रहा है उसको भी इफेक्ट करता है। ठीक है, हम उस हो सकता है इसके कारण हम कोमा में चले जाए, हमारी मृत्यु भी हो सकती है इसके वजह से, तो आप इसका सेवन नहीं करोगे, इस चीज को याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, क्या इसके और प्रभाव होते हैं, तो ड्रग का संयोजन अल्कोहल के साथ साथ उनके सेवन का आमतौर पर यह अतिमत, जैसे आप ड्रग्स के साथ साथ आप ड्रग्स भी ले रहे हो और साथ ही साथ देखो ना इंजेक्शन लगाते हुए देखते होगे पिक्चरों में, दिखाते हैं दे तो भाई इंजेक्शन दे तो है ड्रग्स के, तेरे पास देना पैसा दे दे, इतना भले पैसा फूंक ले, है ना, वो अच्छी चीजों के लिए नहीं, वो पैसा फूंक लेगा वो ड्रग्स लेने के लिए, पता नहीं कितने पैसों का आता है, बहुत पैसों का आता है वो। ठीक है, तो इतना दोनों को अगर एक साथ यूज करोगे तो मृत्यु तो संभव होगी ही होगी। ठीक है, चलिए आगे देखे, देखो ये एक आदमी है या लड़का है पता नहीं जो भी है, वो क्या कर रहा है, ऐसा इंजेक्शन पकड़ के अपना ड्रग्स को ले रहा है, मतलब क्या फैशन है भाई, ऐसा ले रहा है इंजेक्शन से दर्द दर्द ही नहीं लगता लगता है इन लोगों को। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर ड्रग्स जो होते हैं वो हानिकारक होते हैं, ऐसा नहीं, कुछ ड्रग्स जो होते हैं हमारे औषधि के रूप में हम जो लेते हैं, दवाइयों के रूप में सेवन करते हैं, वो हमारे कुछ अच्छे के लिए भी होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे ड्रग्स जो होते हैं उसकी हम बात करेंगे, ये सारी चीजें हमारे लिए, युवाओं के लिए ज्यादातर ये हानिकारक होता है, पता नहीं फैशन के लिए लेते हैं लोग, क्या जाने लोग क्या करते हैं, तो आप लोग नहीं करोगे कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलो, युवाओं में ड्रग्स और अल्कोहल दुरुपयोग के सबसे सामान्य लक्षण है शैक्षिक क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी। लोग अगर देखो जैसे स्कूली लाइफ होता है ना, तो बच्चों में अगर गलत संगति पड़ जाती है तो स्कूल लाइफ में अगर इन लोगों का सेवन शुरू हो जाए तो सीधी सीधी बात है ये शिक्षा में बहुत कमी आ जाती है, व्यवहार तो है ही साथ ही साथ इनके शिक्षा क्षेत्र है उनमें भी काफी कमी देखने को मिलती है। एक तो डब्बा पड़ जाते हैं उन लोग, डब्बा मीन्स मतलब दिमागी रूप से जीरो है उन लोग। ठीक है, तो स्कूल बिना बना कि में आ ही नहीं रहे हैं, स्कूल में अनुपस्थित हो जा रहे हैं, कोई प्रेजेंट ही नहीं हो रहा है, ऐसा भी होता है। ठीक है, अनुपस्थिति होती है स्कूल कॉलेज में, अनुपस्थिति, व्यक्तिगत स्वच्छता के रुचि में कमी होगा, व्यक्तिगत रूप से क्या होते हैं स्वच्छता नहीं होंगे, रुचि नहीं रखते, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते इन सब चीज में। ठीक है, बाल को देखना कैसे कटाए रहते हैं ऐसे लोग, दुनिया भर के बाल को कटा के रखते हैं, एकाकीपन होता है, अवसाद, थकावट, आक्रमणशील हो जाते हैं, विद्रोही व्यवहार करते हैं, परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध होते हैं, शौक की रुचि की कमी होती है, सोने खाने की आदतों में पूरा परिवर्तन, ये नहीं बताऊंगी तब भी सबको पता है, ना तो खाना ढंग से खाते हैं, ना आदत उनका सही रहता है, नेचर भी बेकार होता है, वजन भी घटने बढ़ने शुरू हो जाते हैं इसके कारण। ठीक है, और क्या है भाई, ड्रग्स अल्कोहल के प्रयोग से दुर्गामी परिणाम भी हो सकते हैं, अगर कुप्रयोगकर्ता को ड्रग्स या अल्कोहल खरीदने के लिए पैसे ना मिले तो वो क्या करेगा भाई, चोरी चमारी करेगा, और क्या करेगा, चोरी करने लग जाता है। ठीक है, प्रतिकूल प्रभाव के केवल ड्रग्स अल्कोहल या सेवन करने वाले तक ही सीमित नहीं रहता, कभी कभी ये ड्रग्स अल्कोहल अपने परिवार मित्र को, सीधी सीधी बात है, ये क्या करते हैं अपने ही परिवार को ये क्या करेंगे, मार देंगे, ऐसा करते हैं ना, देखे हो ना वो पिक्चरों में कैसे दिखाते हैं, दारू के लिए पैसा दे, ये पैसा दे, नहीं दी बीवी तो फिर दे धड़ाधड़ कूटना शुरू हो जाता है। तो यही होता है क्या, ड्रग्स वक्स का सेवन करें, इसलिए मत करो, वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है भाई साहब, आप अपनी बीवी से प्यार करो ना, कि क्या करो, लड़ाई झगड़ा करो, अच्छे से रहो, है ना, आप माता पिता के साथ अच्छे से रहो, वहां पर पता चल रहा है मेरा बाप पैसा नहीं देता, मेरी माँ पैसा नहीं देती, तो फिर मारो, लड़ाई करो, यही सब होता है आपके ये सब करने से। भाई आप अपने पेरेंट्स से प्यार करो, अच्छे से व्यवहार करो, ये सब चीज की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उनसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। गर्भावस्था के दौरान यदि ड्रग्स और अल्कोहल का उपयोग करेंगे तो गर्भ पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। माता से बच्चे में सीधे सीधे इफेक्ट पड़ेगा, हो सकता है बच्चे को दुष्प्रभाव हो जाए या तो माता ही पे ही दुष्प्रभाव हो जाए। महिला खिलाड़ियों द्वारा उपचयी स्टेरॉइड के सेवन के अनुषंगी प्रभाव में पुरुषत्वन बड़ी आकर, जैसे महिला लोग हैं ज्यादातर खिलाड़ी लोग क्या करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन का उपयोग करते हैं एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ज्यादातर सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इनके मतलब पुरुषत्व वाली एनर्जी आएगी, ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, ठीक है। असामान्य मतलब इनके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, जो पीरियड्स होते हैं उनमें भी क्या होता है चेंजेस आने लग जाते हैं, सही टाइम पे नहीं आता या तो बंद हो जाता है, ठीक है। मुंह और शरीर पर बालों की अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी, मुंह पर मतलब माउथ पर बात हो रही है, माउथ पर शरीर पर बालों की बहुत ज्यादा हो जाता है, आवाज भी लड़कों जैसा, भाई स्टेरॉइड है लड़कों जैसे गुण आने लग जाते हैं इसमें। पुरुष खिलाड़ियों में क्या होगा, मुहासे बढ़ जाएंगे, आक्रामकता होगा, भाव दशा मतलब समझ लो, नहीं भी बताऊंगी तो अपने सिर से लिख सकते हो, पूरे भाव दशा इनके चेंज हो जाते हैं इसके कारण, ठीक है। चलिए तो ये है आपका दारू भाई साहब, ये आपका गांजा है, ये कुछ स्टेरॉइड है, तो ये दिखाई दे रहा है कि आप इन सभी चीजों का सेवन ना करेंगे क्योंकि ये सारे के सारे आपके लिए क्या है हानिकारक होते हैं, ठीक है। चलिए देखो दिख रहा है, बंद कर दो भाई साहब शराब पीना, बंद करो दरुए लोग, बंद कर दो, ठीक है बच्चों, इस चीज को याद रखोगे आप लोग को नहीं करना, आप ही इन आगे के फ्यूचर हो, आप इस देश के भविष्य हो आप लोग, ठीक है। आप करोगे तो आपके बच्चे भी वही करेंगे, दो लात आप उनके साथ वैसा करोगे तो आपके बच्चे आपको देखकर आपको ही लात मारने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का खास ख्याल रखोगे। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मित्रगण किसी को अल्कोहल ड्रग्स सेवन के लिए प्रभावित कर सकते, यदि हाँ तो व्यक्ति इससे कैसे अपने आप को बचा सकता है। भाई साहब आपके मित्रगण है और कुछ ऐसे मित्र हैं जो अल्कोहल या ड्रग्स का सेवन करते हैं, तो अगर वो आपको अपने साथ ये मिलाना चाह रहे हैं कि भाई तू भी पी ले, बोलते हैं ना कई लोग दोस्त क्या करते हैं, तू नहीं पिएगा तो तुम्हारे आज के बाद दोस्त नहीं है, यही सब आज का डायलॉग सुनने को मिलता है। तो अगर ऐसा कोई आपके मित्रगण ऐसा करते हैं तो आप उसको समझाओ, ना कि वो आपको समझाए पीने के लिए फोर्स करे या करने के लिए फोर्स करे, तो आपको कैसे बचना है ये आपको ध्यान देना है। ऐसे तो आपको खुद इतने दिमाग वाले बच्चे हो, क्योंकि कक्षा 12वीं के बच्चे थोड़े से बड़े भी हो चुके हैं, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ कैसे करोगे इसके बारे में आप खुद अच्छे से नॉलेज रख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा ही है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, हालांकि अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है। ड्रग्स अल्कोहल एवं धूम्रपान के प्रति व्यक्ति किशोर अवस्था में आकर्षित होते, भाई कि कम एज में होता है रोल मारने के लिए, मेरा दोस्त किया है तो मैं क्यों ना करूं, ये आजकल रोल मारने वाले बच्चे, ठीक है, तो आकर्षित होते हैं, और ऐसी प्रवृत्ति से किशोरों को रोकना हमको होगा, क्योंकि चिकित्सा से रोकथाम यानी कि बचाव ज्यादा अच्छा होता है। इसके लिए माता पिता और अध्यापक और विशेष उत्तरदायित्व है, क्योंकि सबसे पहला जो होता है बच्चों का आकर्षण जो होता है, या तो माता पिता इंटरेक्ट करते हैं या तो एक अध्यापक उनको समझा सकता है, तो ज्यादा अच्छा टीचर्स उनको समझाए, या तो उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार रहे, उनको सपोर्ट करे, और गलत चीजों के लिए सपोर्ट ना करे, अच्छी चीजों के लिए सपोर्ट करे, बताए कि ये चीज गलत है, ठीक है। क्योंकि स्कूली लाइफ पहला ऐसा स्टेप होता है एजुकेशन में, स्कूल लाइफ में अगर सही सुधर गया तो इन फ्यूचर वो आगे अपने बारे में अच्छा सोच सकता है। चलिए देखते हैं अल्कोहल के रोकथाम नियंत्रण के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे तो इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि रोकथाम के लिए आप अपने आप में संयम रखें, सबसे पहला तो ये चीज है कि अपने आप को संयम कैसे रख सकते हो, कैसे दूसरे से बचा सकते हो, भाई उसके प्रति आकर्षित ना हो, माता पिता से कॉन्टेक्ट करो, ज्यादा से ज्यादा बातें करो, अच्छी चीजों के बारे में सोचो, क्यों आप गलत चीजों के बारे में सोच रहे हो, तो अपना दिमाग खुद लगाओ यार कि ये जो चीजें है ना वो पढ़ने से या फिर देख के सोचने से नहीं होता, वो अपने आप पे प्रैक्टिकली समझो कि अगर आपको कोई बोल रहा है फोर्स कर रहा है तो आप अपने आप को कैसे दूर रखोगे, ठीक है। और ये सिर्फ पढ़ने के लिए याद मत रखो, ये अभी के जनरेशन में बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस एज में पहुंचने के बाद मित्रता जो होता है ना, पहला स्टेज जो है मित्रता अच्छे लोगों के साथ करो, ठीक है। जब अच्छे लोगों के साथ करोगे तो इतनी सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो चलिए भाई आज का टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कंप्लीट हो चुका है, और आप ड्रग्स के बारे में क्या होता है इसके बारे में, अल्कोहल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझे होगे, जाने होगे, तो अपने मन से भी आप लिख सकते हो। तो तब तक के लिए चलो अब मुझे इजाजत दोगे, 5 अंक के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, तो चलिए भाई चलते हैं, धन्यवाद।